हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है ट्यूसडे और मैं करने जा रही हूँ क्राउन एरिया का रिबॉन्डिंग। फ्रंट जो हमारी फ्लिक्स होती है ना, उसका रिबॉन्डिंग करने जा रही हूँ मेरे पार्लर में। तो चलिए, मेरे स्टूडेंट का मैं रिबॉन्डिंग करके मेरे दूसरे स्टूडेंट को सिखा रही हूँ। तो मेरी मॉडल है तृप्ति और तृप्ति का मैं रिबॉन्डिंग क्राउन एरिया रिबॉन्डिंग कर रही हूँ। फ्रंट जो फ्लिक्स काटी रहती है उसको रिबॉन्डिंग करते हैं, बाकी के ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्योंकि आजकल ना ये स्टाइल बहुत चला है, फ्रंट में आपके बाल स्ट्रेट होते हैं और पीछे के बाल थोड़े से वेवी होते हैं, तो दिखने में अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए हम सीखते हैं रिबॉन्डिंग कैसे करते हैं, ओके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो रिबॉन्डिंग करने का मेथड समझ में आया, और ना भी आया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ओके, कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और जो भी नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आपको ब्यूटी का सब कुछ सीखने मिले। गाइज, मैं भी आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन बींग, मेरे से भी गलतियाँ होती है, पर मुझे जितना आता है मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए सीखते हैं क्राउन एरिया का फ्रंट लेयर्स रिबॉन्डिंग, ओके। तो फ्रंट के जो कटिंग रहते हैं बाल, उसको हम उतना वन साइड फ्लिक्स जैसे रहती है उसको रिबॉन्डिंग करते हैं, ओके। तो अब हम सीख रहे हैं रिबॉन्डिंग करना सिर्फ क्राउन एरिया के बालों का। तो क्राउन एरिया के बाल को मैंने इस तरह से पार्टिंग ले लिया है, सिर्फ फ्रंट स्ट्रेट बाल चाहिए हैं हमें, तो हम उसको इस तरह से क्राउन एरिया का बालों को ले लेंगे इस तरह से, और उसको हम करेंगे आइनिंग। तो सबसे पहले हमें हेयर वॉश कर लेना है, और हेयर वॉश करने के बाद बालों को ड्राई कर लेना है जो बाल चाहिए वो, और उस बालों को आइनिंग कर लेना है। तो फर्स्ट प्रोसीजर है हमारी रिबॉन्डिंग करने से पहले हेयर वॉश, और उसके बाद हम बालों को आइनिंग करेंगे। तो ये मैंने हेयर वॉश करके बाल ड्राई कर लिए हैं और आइनिंग कर लिए हैं बालों को, और हम मटेरियल में ये आप जानते हो ऑलवेज मैं स्क्वॉश शॉप का ग्लेड का स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ करती हूँ, तो मैं ये वाला क्रीम लूँगी। और क्राउन एरिया में है तो हमें थोड़ा ही क्रीम लेना है इस तरह से, ज़्यादा नहीं हम यूज़ करेंगे क्योंकि उसके बाल कलर वाले बाल हैं, तो थोड़ा सा संभाल के करेंगे। तो ये क्रीम मैं लगाऊंगी अभी बालों को। स्कार्फ से हाफ इंच की दूरी पे हमने रखना है, ज्यादा स्कार्फ तक लेना नहीं है। ब्रश काटूंगा, प्रॉपरली क्रीम लगा के हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देंगे। गाइस, अगर कलर किए हुए बाल हो तो आपने थोड़ा कम टाइम रखना है, और मार्केट में ये एक ऐसी अवेलेबल है, बाकी का ट्यूब्स में तो कैसे हेयर कलर किए हुए बालों के लिए डिफरेंट ट्यूब आती है, और नॉर्मल बालों के लिए डिफरेंट आती है, पर इसमें ये एक ही प्रोडक्ट आता है, बस आप थोड़ा
टाइमिंग चेंज करके रख सकते हो ज़्यादा और कम में। ओके, और मैं इजी मेथड से सब सिखा रही हूँ, आप घर पे भी सब कुछ कर सकते हो इस तरह से। तो गाइस अभी 5 मिनट हो गई है और 5 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद ये बालों को वॉश और बालों को वॉश करके बालों को ड्राई करना है हमें, और उसके बाद आयनिंग करना है फिर से। 6-7 मिनट होने के बाद हम इसे थोड़ा सा कोम कर लेंगे बालों को, ताकि अच्छे से क्रीम सब दूर स्प्रेड हो जाए। तो गाइस अभी प्रोसीजर टाइम हो गया है और ये लड़की ने बालों को कलर लगाया है, तो देखिए सब कलर कैसे निकल रहा है। सॉरी, तो देखिए 10 मिनट्स के बाद गाइस हमने ये हेयर वॉश कर लिए हैं, अब हम इसे ड्राई करेंगे और उसके बाद आयनिंग करेंगे। पीछे के बालों को हमने टाई कर दिया है सिस्टमेटिकली, क्योंकि पीछे के बाल को हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ क्राउन एरिया ही यूज़ करना है इसलिए। आयनिंग करेंगे आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। मैंने सबसे पहले बालों को हेयर वॉश किया, उसके बाद बालों को ड्राई करके आयनिंग किया, उसके बाद फर्स्ट क्रीम अप्लाई किया है। अब फिर से मैंने हेयर वॉश उसका क्राउन एरिया वॉश किया है और अब हम न्यूट्रिलाइजर अप्लाई करेंगे। वॉश करने के बाद हमने बालों को ड्राई किया और गाइस ऑल ओवर बाल करने में डिफ़िकल्ट नहीं जाता है, पर सिर्फ क्राउन एरिया करना हो ना तो बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि पूरा हमें यहाँ से प्रॉपर मिलता नहीं है। तो गाइस प्रॉपरली आयनिंग कर लीजिए आप अच्छे से। तो इस तरह से आइनिंग प्रॉपर हो गया है और अब हम यूज़ करेंगे ये वाला न्यूट्रिलाइजर। ओके गाइस, तो ये प्रोसीजर भी सेम है, हमें क्रीम लगाना है और उसके बाद हमें उसको 10 मिनट्स रखना है, फिर से वॉश करना है और लास्ट में आइनिंग। क्रीम लिया था उतना ही हम न्यूट्रिलाइजर लेंगे। और इसे भी प्रॉपरली इवनली लगा देने का है। न्यूट्रिलाइजर लगाने के बाद हम रखेंगे इसको 10 मिनट्स
और फिर से सेम वॉश ड्राई और ये आइनिंग। तो गाइस इस तरह से न्यूट्रलाइजर लगा दिया है और अब हम 10 मिनट्स वेट करेंगे। तो न्यूट्रलाइजर लगा के 10 मिनट्स हो गए हैं और अब हम इसे वॉश करेंगे। तो अब हमने हेयर वॉश कर लिया है और देखिए पहले बाल कितने सारे थे, अब बाल कितने कम लग रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट होने पे बाल कम हो रहे हैं और अच्छे स्मूथ एकदम सॉफ्ट लग रहे हैं। तो गाइस अब आप इसको ड्राई करो, आइनिंग करो, नहीं करना है आइनिंग तो मत करो, ऐसे ही छोड़ दो तो भी ये अच्छे से रहेंगे। पर अब मैं थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ इसको और आइनिंग भी कर लेती हूँ ताकि फाइनल लुक आपको मैं दिखा दूँ सबको। गाइज ये हमने 50% ड्राई कर लिए हैं बालों को और 50% हम आइनिंग से करेंगे। तो पर देखिए इसकी शाइनिंग देखिए। अब आप इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ दोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट के स्ट्रेट रहने वाले हैं। पर मैं आपको आइनिंग करके दिखाती हूँ और इन बालों को देखिए और ये बालों की शाइनिंग देखिए, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अभी फाइनल प्रोसीजर है आइनिंग का, जैसे मैंने बताया आप चाहो तो आइनिंग कर सकते हो लास्ट में, ना चाहो तो छोड़ दो ऐसे ही। ये हो गए हैं स्ट्रेट पूरी तरफ अच्छे से। तो गाइज ये हमारा क्राउन एरा रिबॉन्डिंग प्रोसीजर फाइनल हो गया है। देखिए पीछे के बाल, मैंने सिर्फ इतना क्राउन एरिया लिया था इस तरह से और ये देखिए उनके ऐसे कर्ली बाल थे जो मैंने पूरी तरह अच्छे से रख के फिर ये क्राउन एरिया का पूरा रिबॉन्डिंग हो गया है। तो गाइस ये आपको, तो गाइस देखिए बाल कितने स्मूथ सॉफ्ट हो गए हैं ये पूरा अच्छे से और ये लुक भी अच्छा। अगर आपको पूरे बाल में नहीं करना है रिबॉन्डिंग तो आप इस तरह से क्राउन एरिया अपना रिबॉन्डिंग कर सकते हैं और इसका शाइनिंग और इसके ऊपर आप चाहे वो लगा सकते हो। 3 दिन आपको अब ऐसे ही रखना है, इसे वॉश नहीं करना है और 4th डे आपने इसको वॉश कर लेना है और इसको संभालना है, क्लिप्स वगैरह नहीं लगानी है। तो देखिए तू जरा बघ तुझा लुक तुला कसा वाटतो है मिरर मध्ये। तो गाइस अगर आपको ये मेरा क्राउन एरिया रिबॉन्डिंग का प्रोसीजर समझ में आया, अच्छा लगा तो आप मुझे
कमेंट्स करके बताइए, और जो नया है मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। ओके, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से मैं कुछ कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। ओके गाइस, तो चलिए बाय।